नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर रेमसिक श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, MT4 के इंडिकेटर्स के बारे में। तो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं हमारे पास जो हम लोगों को सेल करते हैं, तो हमने उनको एक प्लेटफॉर्म में डाल दिया दोस्तों, ताकि वो ईजी रहे, यूज़र कोई भी आके अपना इंडिकेटर्स डाउनलोड कर सके और यूज़ कर सके हमारे इंडिकेटर्स को। अभी वहाँ पर हमने कुछ पेड इंडिकेटर्स डाले हैं, बाद में हम कुछ फ्री इंडिकेटर्स और पेड इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन वहाँ पर डालेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप हमारे इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको 6 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है, जिसमें आप इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हो। हमारे बहुत सारे इंडिकेटर्स स्कैनर्स हमने वहाँ पर डाले हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में कि किस तरीके से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो व्यूवर्स पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो व्यूवर्स पहले से हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इंडिकेटर का डेमो ले पाएँ और आराम से इसको यूज़ कर पाएँ 6 दिन के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है MetaTrader 4 का चार्टिंग सॉफ्टवेयर। बेसिकली MetaTrader 4 जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है, यानी कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग होती है, लेकिन इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। तो इंडिया में हम इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ और सिर्फ चार्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिछले कई वीडियोज़ को बनाने के बाद काफ़ी लोगों की मेरे पास कॉल आई कि हमें इसमें ट्रेडिंग करना है, MT4 में, MT5 में ट्रेडिंग करना है। तो मैं व्यूअर्स को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कोई भी MT4 में या MT5 में ट्रेडिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज़ इंडिया में अलाउड नहीं है, तो हम नहीं करते हैं इस चीज़ को, ये इलीगल है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए फ़ोन ना करें कि मुझे इनमें ट्रेडिंग करना है और मुझे ट्रेडिंग में पैसे डाल के MT4 के अंदर ही ट्रेडिंग करनी है, ऐसी कोई फैसिलिटी हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये है MetaTrader 4 का सॉफ्टवेयर। आपको MT4 में 3 अलग अलग विंडो मिलती हैं, जो कि है मार्केट वॉच, नेविगेटर और चार्ट विंडो। लेफ़्ट साइड की दो विंडोज़ जो ऊपर वाली है उसको मार्केट वॉच कहते हैं, और उसके नीचे जो है वो नेविगेटर विंडो होती है, जिसमें आप इंडिकेटर्स को अप्लाई करते हैं और इंडिकेटर्स कॉपी पेस्ट करते हैं, जो भी डालते हैं वो सब इंडिकेटर और नेविगेटर में दिखता है आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जाना होगा अपनी वेबसाइट पर, जिसका नाम है दोस्तों indicators.co.in। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, indicators.co.in। indicators.co.in पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये पेज दिखेगा, जिसमें ये लॉगिन की क्रेडेंशियल्स मांगेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और अपनी डिटेल यहाँ पे डालनी है। जैसे मैं अपनी डिटेल यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ दोबारा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल डाल के साइनअप पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने साइनअप पे क्लिक किया, इसने कहा कि आपको एक स्टेप और जाना है, अपनी ईमेल पे जाना है और वेरीफाई करना है। गो टू जीमेल पर जब मैं जाऊंगा तो ये मेरी ईमेल्स खोलेगा, ठीक है। ईमेल में मुझे सिलेक्ट कर लेना है कि जो भी मेरी ईमेल थी वो मैंने 7ticks डाली, तो मैं 7ticks की ईमेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक मैसेज आया हमारे पास, जिसमें कि हमें अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करने के बाद हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ओपन हो जाता है, और उसके बाद हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों हम अपनी लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे डाल देते हैं। लॉगिन डिटेल डालने के बाद दोस्तों हमें डैशबोर्ड दिखाई देगा, जो डैशबोर्ड आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे, ये डैशबोर्ड है। तो इस डैशबोर्ड में आपको जो जो चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इसमें आपको अलग अलग स्कैनर्स मिलते हैं, जैसे आप स्टार्टिंग में देखेंगे ORB स्कैनर है, फिर मल्टी इंडिकेटर है, फिर ईगल स्कैनर है, और उसके बाद सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड स्कैनर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा और देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर मनी मशीन है, इंट्रामैक्स है, और इंट्रामैक्स का स्कैनर है, ईगल ट्रेडिंग है। इनके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर इनके यहाँ पर इमेजेस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ये किस तरीके का दिखेगा, किस तरीके का सॉफ्टवेयर है। अगली इमेजेस इसकी नॉर्मल चार्ट की देखनी है तो देखो इस तरीके से नॉर्मल चार्ट में दिखेगा, एरो एंड जो टिक मार्क वगैरह जो भी आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे किसी भी इंडिकेटर पे आप जाते हैं, मल्टी इंडिकेटर है, ईगल स्कैनर है, इनके लिए मैं अलग अलग वीडियोस तो बनाऊंगा ही कि स्कैनर्स किस तरीके से काम करते हैं, कौन सा स्कैनर को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से यूज़ करना है। इसमें सबसे पहले मैं एक मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है जो उसको चला के आपको दिखाता हूँ, जिसका नाम है दोस्तों मल्टी इंडिकेटर। मल्टी इंडिकेटर किस तरीके से काम करेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने जब सबसे पहले जाके ट्रायल एक्टिवेशन किया, तो जैसे ही मैंने ट्रायल एक्टिवेट किया यहाँ पर मुझे डाउनलोड नाउ का बटन आ गया। जैसे ही मैं डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूँगा ये इंडिकेटर डाउनलोड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब इस इंडिकेटर को हमें कॉपी करके पेस्ट करना है अपने MT4 में। उसके लिए हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, उसके बाद हम MT4 खोलेंगे। MT4 खोलने के बाद हमें यहाँ पर जाना है फाइल में। फाइल में जाने के बाद हमें जाना है यहाँ पर
ओपन डेटा फोल्डर के अंदर। ओपन डेटा फोल्डर में हमें जाना होगा MemQL4 में और फिर इंडिकेटर्स के फोल्डर में। यहाँ अगर आपको इंडिकेटर का फोल्डर बनाना है तो आप फोल्डर बना सकते हो, डायरेक्ट पेस्ट करना है तो डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो। फोल्डर बनाने से ये रहेगा कि आप उस फोल्डर में डायरेक्ट जाके डायरेक्ट उस इंडिकेटर को क्लिक कर सकते हो। नॉर्मली डालते हो तो आपको इस रो में एक बार सर्च करना पड़ेगा कि इंडिकेटर कहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों एक सेटिंग हमें करनी है, वो सेटिंग के लिए हम टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद दोस्तों हमें ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर अलाउ DLL का जो बटन आ रहा है उस पर हमें ज़रूर क्लिक करना है। अगर हम अलाउ DLL के बटन पर क्लिक नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो इंडिकेटर है वो वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर इसकी सख्त ज़रूरत है, हमें अलाउ DLL करना होगा। अलाउ DLL करके हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों, जो इंडिकेटर्स की विंडो है अभी यहाँ पर जो हमने इंडिकेटर पेस्ट किया है दोस्तों वो यहाँ पर दिख नहीं रहा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके हमें यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश करना होगा। तो जैसे ही हम रिफ्रेश कर देंगे, रिफ्रेश करने के बाद ये हमें यहाँ पर दिखने लगेगा, ये दिखने लगेगा। उसके बाद हम इस पर डबल क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मल्टी इंडिकेटर को हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस जो है मल्टी इंडिकेटर के बारे में है। अब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मल्टी इंडिकेटर काम किस तरीके से करता है। मल्टी इंडिकेटर का मतलब है बहुत सारे इंडिकेटर्स एक ही इंडिकेटर में हमने कंबाइन कर दिए हैं। यानी कि इस इंडिकेटर में अगर आप दो मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे सिग्नल चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर और RSI दोनों के कॉम्बिनेशन पे कंप्लीट होने के बाद अगर सिग्नल लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। मूविंग एवरेज और RSI के साथ MACD कनेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। हाइकनाशी करना है तो वो भी कनेक्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। देखो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट में, जब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मूविंग एवरेज है, बोलिंगर बैंड है, पैराबोलिक है, हाइकनाशी है, RSI है, CCI है, स्टोकेस्टिक है, MACD, OSMA, मोमेंटम, ADX, ATR, फोर्स, और ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं जो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और आपको इनको यूज़ किस तरीके से करना है दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सब इंडिकेटर्स के लिए ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। यानी कि जैसे मूविंग एवरेज है, ठीक है, तो मूविंग एवरेज में यहाँ पर आप देखेंगे टू मूविंग एवरेज के आगे लिखा हुआ है ट्रू और फॉल्स। अगर हमें दो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर चाहिए तो हम इसे ट्रू कर सकते हैं। ट्रू करने से ये दो मूविंग एवरेज को पकड़ने लग जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन सी मूविंग एवरेज डालनी है, 14 की डाल देता हूँ मैं, एक 25 की डाल देता हूँ, ठीक है। ये दो मैंने मूविंग एवरेज डाली। यहाँ पे आप थर्ड वाली मूविंग एवरेज के पीरियड में कुछ डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने टू मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर को लिया है क्लिक, हमने थ्री को नहीं किया, तो हम टू वाली के हिसाब से दो मूविंग एवरेज के पीरियड्स यहाँ पे हमने लगा दिए। उसके बाद MA1 का टाइप 1 है, MA2 का टाइप 1 है। यहाँ पर 1 का मतलब होता है दोस्तों एक्सपोनेंशियल, 0 डालोगे तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद 2 डालोगे तो स्मूथ हो जाएगा, और 3 डालोगे तो लीनियर वेटेड हो जाएगा। तो ये आपकी मर्जी, आप कोई सब डाल सकते हो। यहाँ पर मैं आपका जो यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद अगला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर इसके साथ आपको कौन सा इंडिकेटर और ऐड करना है। मान लीजिए मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ MACD, ठीक है, तो मैं यहाँ पर MACD को ट्रू कर दूंगा। तो अब क्या होगा दोस्तों, MACD के और मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर दोनों के होने के बाद जब दोनों बाइंग कंडीशन में आएंगे तो मुझे बाय का सिग्नल मिलेगा, और जब दोनों सेल के कंडीशन में आएंगे तो मुझे सेल का सिग्नल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरीके के सिग्नल मिलेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर डालना होगा ईमेल और पासवर्ड। ईमेल पासवर्ड कौन सा, जो अभी हमने क्रिएट किया है इंडिकेटर्स की वेबसाइट पर। मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, दो मूविंग एवरेज को ट्रू किया हुआ है हमने, और यहाँ पर हमने ट्रू किया हुआ है MACD को। बाकी के सारे इंडिकेटर फॉल्स हैं, तो अभी ये सिर्फ दो इंडिकेटर के हिसाब से परफॉर्मेंस बताएगा। आप चाहें तो दो और तीन और जितने भी आपको डालने हैं उतने डाल सकते हो। उतने डालने के बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप चार्ट में ओके करोगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। अभी यहाँ पर आप देखिए कि जो एरोज हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, छोटे छोटे कुछ एरोज दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो एरो मिल रहा है वो है सेल का एरो, सेल का सिग्नल, और उससे पहले यहाँ पर हमें बाय का सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर फिर हमें बाय का सिग्नल और एक सेल का सिग्नल मिल रहा है। तो इस तरीके से सिग्नल्स आते हैं, यहाँ पर नीचे बाय का सिग्नल भी आया हुआ है। तो जो भी सिग्नल यहाँ पर आएगा, जो भी सिग्नल की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है, वो सिग्नल्स हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ से बाय करना है या यहाँ से सेल करना है। यहाँ पर दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं, दोनों कंडीशंस बाय की और सेलिंग की मैच हो रही हैं, तो उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। ये ऑप्शन का चार्ट है। अगर आपको कोई
कोई और चार्ट देखना है फ्यूचर का, तो आप फ्यूचर का लगा के यहाँ पर ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग करने से ये उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सारी देना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पर सेल का सिग्नल आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास सेल का सिग्नल अवेलेबल है, उससे पहले यहाँ पर बाय का सिग्नल अवेलेबल है, ये सेल का सिग्नल अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अपनी सेटिंग के हिसाब से जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं पैरामीटर्स की, वो सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं और अपनी पैरामीटर की सेटिंग के हिसाब से आप सिग्नल्स ले सकते हैं। जो भी आप यूज़ करते हैं, जो भी टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं या जो भी चार्टिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, वो अपने हिसाब से मूविंग एवरेज MACD RSI के कॉम्बिनेशन पर जो लोग काम करते हैं वो यहाँ पर आके इस इंडिकेटर से आराम से काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, एक एक करके मैं सबके वीडियोस बना के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म काम करता है, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देनी है दोस्तों कि जब भी आप कोई इंडिकेटर कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर indicators.co.in वाला ID और पासवर्ड डालना होगा, और यहाँ पर MT4 में आने के बाद, टूल्स में जाने के बाद आपको ऑप्शंस में जाना होगा, और ऑप्शंस में जाने के बाद अलाउ DLL करना होगा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों MT4 का डेमो लेना है, MT4 की डेमो ID या तो आपके पास है तो आप डायरेक्ट इंडिकेटर्स को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास MT4 अवेलेबल नहीं है तो आप MT4 डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा MT4, लेकिन उसके लिए हमारी दूसरी वेबसाइट पर जाना होगा आपको। आपको जाना होगा msekshorgan.com पे। msekshorgan.com पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन में आपको MT4 डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। इस वाले बटन पे क्लिक करने से डाउनलोड नाउ पे MT4 डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड होने के बाद आप रन कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इंस्टॉलेशन में MT4 की, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिख जाएंगे और स्क्रीन पे भी आपको नीचे नंबर दिख रहे होंगे, तो उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। 6 दिन का इसमें फ्री ट्रायल है, और उसके बाद जो कॉस्टिंग है वो बहुत नॉमिनल है, 500 to 600 rupees के आसपास के सब्सक्रिप्शन है इंडिकेटर के एवरी मंथ के। अगर आप ईयरली या हाफ ईयरली पैकेजेस लेते हैं तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, हम आपको ऑफर प्राइसिंग बता देंगे। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो पे, और बताइएगा हमें कि कोई चीज़ आपको, और कोई वीडियो अगर इस बारे में या किसी भी बारे में आपको चाहिए तो हमसे आप हमें शेयर कीजिएगा, हम उसके बारे में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।